शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौजिज़ हाज़रीन महफ़िल, अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से तरतीब दिया जाने वाला आज का प्रोग्राम अल्लामा इकबाल की मारूफ नज़्म खज़र राह की शरह पर मुश्तमिल है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी को ख़ास तौर पर हमने इस हवाले से मदऊ किया है कि इस नज़्म का पस मंज़र, इस नज़्म के मुहर्रिकात और इस नज़्म के जितने भी बंद हैं और जो ये तकसीम है, बुनियादी तौर पर ये नज़्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल है कि एक शायर का सवाल है और दूसरा हिस्सा जवाब है हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने दिया। फिर जो जवाब है वो ख़ुद उसके ज़ैली पांच हिस्से हैं, जिनमें पहला जवाब सहरा नवर्दी पर है, फिर ज़िंदगी पर है, सल्तनत पर है, सरमाया मेहनत पर है और दुनिया इस्लाम। ये पांच फिर अलग अलग नज़में अलग अलग सवालात के जवाबात के तौर पर हैं। बेत तरकीब बंद है इसकी और 11 बंद हैं टोटल, 85 शेर हैं, बहरे रमल में है। फ़ायलातुन 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 फ़ायलुन, मतालिब बांगे दरा में ग़ुलाम रसूल महर ने इसका तमहीदी नोट लिखा है। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ये चाहूँगा कि वो ही तमहीदी नोट आपके गोश गुजार करूँ। खज़र राह का ये तमहीदी नोट मैं ग़ुलाम रसूल महर का ही लिखा हुआ मतालिब बांगे दरा में जो उन्होंने लिखा वो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। ये नज़म इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के 37वें सालाना इजलास में पढ़ी थी, जो अप्रैल 1922 में इस्लामी हाई स्कूल अंदरून शेरांवाला दरवाज़ा में मुनक़िद हुआ था। आलम इस्लाम के लिए वो वक्त बेहद नाजुक था, कुस्तुनतुनिया पर इत्तेहादी काबिज़ थे, सल्तनत उस्मानिया की ईंट से ईंट बच चुकी थी, इत्तेहादियों के एमा पर यूनानियों ने अनातोलिया में फ़ौजें उतार दी थी। शरीफ हुसैन जंग के ज़माने में अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया से बगावत कर चुका था, इस वजह से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में बराह रास्त मुदाखलत का मौका मिल गया था। इस तरह मुसलमानों पर रंजो कलख की घटाएँ छा गईं, हमारे मुल्क में हिजरत की तहरीक जारी हुई, फिर खिलाफत और तर्क मवालात का दौर शुरू हुआ, हज़ारों मुसलमान कैद हो गए। उधर दुनिया इस्लाम के रूबरू नए नए मसाइल आ गए। इकबाल ने उन्हीं में से बाज़ अहम मसाइल के मुतालिक हज़रत खज़र की ज़ुबान से मुसलमानों के सामने सही रोशनी पेश की और नज़्म का नाम खज़र राह इसी वजह से रखा कि ये मुश्किलात और मसाइब के नहायत नाजुक दौर में रहनुमाई का मीनार थी। ये नज़्म सुनने के लिए बेशुमार आदमी जमा हो गए थे, अंदाज़ा किया गया कि पूरा मजमा 20,000 से कम का ना होगा। बाज़ अशार पर इकबाल ख़ुद भी बेइख्तियार रोए और मजमा भी अश्कबार हो गया। बयान किया जाता है कि इकबाल पर जितनी रिक्क़त खज़र राह पढ़ने के दौरान में तारी हुई, उतनी किसी नज़्म के दौरान में ना हुई। इब्तदा भी नज़्म में सिर्फ दो उनवान थे, पहले दो बंदों का उनवान था शायर यानी शायर का ख़िताब, और हज़रत खज़र से बाकी नौ बंदों का उनवान था जवाब खज़र। नज़र सारी में इकबाल ने मुख्तलिफ मसाइल पर अलग अलग उनवान कायम कर दिए। खज़र राह इकबाल की मुख्तलिफ नज़मों में बाज़ वजूह से यगाना हैसियत की मालिक है, इसका आम अंदाज़ दूसरी नज़मों से बिल्कुल जुदागाना है। तो नाज़रीन किराम, आज जेम्स टेलीविज़न पर इस खूबसूरत नज़्म और ख़ास तौर पर जो इसका इब्तदाई है जहाँ पर शायर माहौल बनाता है वो आप जब सुनेंगे तो आप अशश कर उठेंगे, और कई मकामात ऐसे आएंगे जहाँ पर आप पर भी रिक्कतारी हो जाएगी कि इस नज़्म में एक ऐसा सहर है और इस सहर को दुबाला कर देती है शरह, जो कि ख़ास तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी की ज़ुबान से हो। तो मैं दावत कलाम दूंगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब इशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुम उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हाज़रीन गिरामी, मेरे लिए आज बड़ी मसर्रत और एजाज़ की बात है कि आज मैं शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक ऐसी नज़्म आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो उनकी चंद अजीम नज़मों में से एक है। नज़्म खज़र राह का जैसे कि पस मंज़र अभी आप वक़ार अहमद वक़ार साहब से सुन चुके, किन हालात में लिखी गई, क्यों लिखी गई, वो क्या दर्द था पस मंज़र में जिसने मजबूर किया इकबाल को ऐसी दिलसोज़ नज़्म लिखने पर, और
इसके हवाले से मज़ीद जो तफसीलात हैं वो आपने अभी सुनी। शुक्रिया वक़ार साहब। तो अपने तरीक़ेकार के मुताबिक पहले मैं फ़ज़ा बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए सिर्फ़ पहला बंद आपके सामने पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर हम आगाज़ करेंगे कि ये जो बंद हैं इनको खोला कैसे जाए। साहिले दरिया पर मैं एक रात था महवे नज़र, साहिले दरिया पर मैं एक रात था महवे नज़र, गोशाए दिल में छुपाए एक जहाने इस्तेरा, शब सुकूत अफसा हवा आसूदा दरिया नर्म सैर, थी नज़र हैरान कि ये दरिया है या तस्वीरें आ, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार, मौजे मुस्तर थी कहीं कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब, रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर, रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर, अंजुमे कम जाओ गिरफ्तारे तिलिस्मे माहताब, देखता क्या हूँ कि वो पै के जहाँ पैमा खजर, देखता क्या हूँ कि वो पै के जहाँ पैमा खजर, जिसकी पीरी में है मानंदे सहर रंगे शबा, कह रहा है मुझसे ऐ जुयाए असरारे अजल, ऐ जुयाए असरारे अजल, चश्मे दिल वाहो तो है तकदीर आलम बेहिजाब, चश्मे दिल वाहो तो है तकदीर आलम बेहिजाब, दिल में ये सुनकर बपा हंगामा ए महशर हुआ, दिल में ये सुनकर बपा हंगामा ए महशर हुआ, मैं शहीद जस्तजू था यूं सुखन गुस्तर हुआ। ये मैंने आपके सामने पहला बंद पढ़ा। इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इस नज़्म में कुछ किरदार हैं जो गालिबन आपस में गुफ्तगू करना चाहते हैं, कोई किरदार है जो सवाल करेगा और कोई किरदार या कुछ किरदार उसका जवाब देंगे। तो गोया एक शक्ल बनेगी मुकालमे की, गुफ्तगू की। मुकालमा क्यों, मुकालमा ही क्यों इकबाल ने चुना इस नज़्म को पेश करने के लिए फॉर्म के तौर पर, हैत के तौर पर, एक शक्ल के तौर पर? मुकालमा क्यों ज़रूरी है, मुकालमा कब होना चाहिए, मुकालमा कब मुमकिन होता है, मुकालमे के नताइज कैसे ज़ाहिर होते हैं, और अगर मुकालमा इस ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, हमारी दुनिया से गुफ्तगू का चैप्टर क्लोज हो जाए, हम बातचीत छोड़ दें, तो उसके नताइज क्या होते हैं? मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें आपको तफसीलन बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इशारे के तौर पर आपको बता रहा हूँ। एक मुकालमा वो है जो हमारा हमारी ज़ात से चलता है, उस मुकालमे से हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मंसूबे कशीद करते हैं, हम अपना एहतसाब करते हैं उस मुकालमे के ज़रिए, हम उस मुकालमे के ज़रिए ख़ुद को समझते हैं, अपने माहौल को जानते हैं। एक मुकालमा वो है जो अपने हम असरों से जारी रहता है, जिससे हम सीखते हैं, समझते हैं, मसाइल हल करते हैं, और बाज़ लोग मनफी काम भी लेते हैं, मकालमे से मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का काम भी लेते हैं, लेकिन असल और मुस्बत मकालमा वही है जो मसाइल हल करे। जब बात होगी तो मसाला सामने आएगा, जब गुफ्तगू होगी
जब कलाम होगा तो अंदर का गुबार बाहर आएगा और दुनिया को पता चलेगा, मुखातबीन को पता चलेगा कि जो फ़र्द हमारे सामने है, हमारे दोस्त की शक्ल में, भाई की शक्ल में, बाप की शक्ल में, माँ या बहन की शक्ल में, वो हमसे क्या चाहता है, उसकी आरजुएँ क्या हैं, उसकी ख्वाहिशात क्या हैं, वो हमें कैसा देखना चाहता है। तो ज़ात से लेकर पूरे इज्तिमा तक, पूरी कौम तक गुफ्तगू, मकालमा, बातचीत आलमी सतह पर आप देख लीजिए, दुनिया का बड़े से बड़ा मसला हो, वो हल जाकर कहाँ होता है, मकालमे पर जाकर हल होता है। तो इकबाल के सामने जो मसाइल हैं, अज़ली मसाइल, जो वक्ती मसाइल, सियासी और समाजी मसाइल, रूहानी मसाइल, उनका हल भी इकबाल की नज़र में बातचीत है, मकालमा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इकबाल की मुतअद्दद नज़में ऐसी हैं कि जिनमें इकबाल ने मकालमे ही को इस्तेमाल करके, मकालमे ही की शक्ल को काम में लाकर अपने मौजू को आगे बढ़ाया है और नज़म की तकमील की है। तो मकालमे की शक्ल में नज़म हमारे सामने है, ये बात हमें पता चल गई। जब मकालमा है तो किसके दरमियान है, पता चला कि मकालमे के लिए इस नज़म में दो किरदार हैं। एक किरदार है शायर और वो ख़ुद ज़ाहिर है कि इकबाल हैं, और दूसरा किरदार है हज़रत खिज़र का। अगर मैं आपसे पूछूं कि हज़रत खिज़र का किरदार किसने अदा किया तो मुमकिन है कोई कहे हज़रत खिज़र ने, लेकिन अगर आपने नज़म पढ़ रखी होगी तो आपके जहन में फ़ौरन ये जवाब आएगा कि नहीं, वो भी ख़ुद इकबाल है। यानी इकबाल ही इस नज़म में शायर हैं, इकबाल ही इस नज़म में हज़रत खिज़र हैं, ख़ुद ही सवाल करते हैं और ख़ुद ही जवाब देते हैं। अच्छा, जब हम कोई मामूली सा मकालमा भी, मकालमे का भी इनेकाद करते हैं, वो सियासी मकालमा हो या समाजी मकालमा हो, तो उसके लिए हम बेहतरीन किरदारों का चुनाव करते हैं जो उस गुफ्तगू के लिए मौजू तरीन होते हैं, जो उस सूरत हाल को समझते हैं, जो उस मौजू के पस मंज़र को जानते हैं। तो इसमें जो दो किरदार हैं, इकबाल ने जो दो किरदार चुने हैं, उनमें पहला किरदार है शायर। आगे चलकर आप देखेंगे कि सवालात की जो नौयत है और जिस किस्म के मसाइल सामने आ रहे हैं, उन मसाइल का इदराक तो हर कसो नाकस को कमोबेश होता ही है। आज भी जो हालात हैं, आप किसी अनपढ़ शख्स से मालूम कर लीजिए, दो लाइनों का तबसरा तो वो भी कर देगा, लेकिन बेश अज़ बेश इदराक, ज़्यादा से ज़्यादा इदराक, और फिर इदराक से ज़्यादा उसकी समझ, उस मसले की गहराई में उतर कर उसको जानना, और सिर्फ जानना नहीं बल्कि महसूस करना, ये हर एक के बस की बात नहीं। तो इकबाल को तमाम किरदारों में जो कि मुमकिन हो सकते थे, मसलन शायर की जगह कोई उस्ताद भी हो सकता था, ठीक है, कोई तालिबे इल्म भी हो सकता था, ज़िंदगी के और बेशुमार तबकात हैं, उनमें से कोई भी किरदार खिज़र के सामने आकर यह सवाल पूछ सकता था, भाई सवाल पूछना है ना इंटरव्यू करना है, लाओ मुझे दो पांच सवाल, मैं पूछ के आता हूँ, सही है, रिपोर्टिंग आजकल आम है तो मैं पूछ लेता हूँ, सवाल पूछना कौन सा मुश्किल काम नहीं। इकबाल ने जो किरदार मुंतखब किया वो माशरे का हसास तरीन फ़र्द है। आगे जो सवाल आ रहे हैं उन सवाल की हसासियत आपको बताएगी कि इकबाल का इंतखाब कितना दुरुस्त था। आप देखिए कि इकबाल शायर के बारे में क्या सोचते हैं। कौम गोया जिस्म है, अफराद हैं आज़ाए कौम। कौम गोया जिस्म है, अफराद हैं आज़ाए कौम, मंजिले सनअत के रह पैमा हैं दस्तों पाए कौम। महफिले नज़्मे हुकूमत चेहरे ज़ीबाए कौम, शायरे रंगी नवा है दीदाए बीनाए कौम। जो किरदार हम ले रहे हैं वो कोई अंधा नहीं है, वो कोई ऐनक लगाए हुए किरदार नहीं है मेरी तरह से कि ऐनक उतार दे तो सब कुछ अंधेरे में चला गया, नहीं, दीदाए बीनाए और दीदाए बीनाए कौम है, यानी सारी कौम में से बेहतरीन देखने वाला है।
और पूरी कौम का नुमाइंदा है वो, तो दीदाए बीनाए कौम इकबाल की नज़र में शायर है। मुब्तलाए दर्द कोई उज्वो रोती है आंख, हमारा तजुर्बा है, जिसम में कहीं भी दर्द हो सुई चुभ जाए कांटा लग जाए रोती है आंख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। तो दो खसूसियात शायर की, एक तो ये कि निगाह रखता है, देखता है, चीज़ों को समझता है, और सिर्फ इल्म नहीं रखता, इल्म बहुत से लोग रखते हैं, जानते बहुत सारे लोग हैं, मालूमात के मुकाबले जीत जीत के आते हैं, ट्रॉफियाँ ले लेकर आते हैं, लेकिन एहसास मत पूछो। तो इसमें अक्ल भी है, समझ भी है, दानाई भी है, निगाह भी है, नज़र भी है, और उन सबसे बढ़कर कौम का दर्द भी है, एहसास भी है, कौम के लिए रोता भी है। अपने लिए तो सब रोते हैं, कौम के लिए कौन रोता है। इकबाल की नज़र में शायर क्यों किरदार बनाने के लायक था कि उसमें ये दो खसूसियात नज़र आ रही थी। इसके बाद जनाब असरार खुदी इकबाल की एक मशहूर मसनवी है, यूं ही गर्दानी करते हुए निगाह ठहर गई कि इकबाल शायर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। असरार खुदी के आगाज़ ही में यह अशार नज़र में आ गए कि जर्राम मेहरे मुनीरान मनास्त, जर्राम मैं तो जर्रा हूँ छोटा सा, मेहरे मुनीरान मनास्त मगर मेहरे मुनीर ये रोशन सूरज मेरा है, मुझसे है, मेरी मिल्कियत है, अगरचे मैं जर्रा हूँ। ये कौन कह रहा है? शायर, मैं इकबाल। जर्राम मेहरे मुनीरान मनास्त सद सहर अंदर गरीबान मनास्त, मेरा गरीबान खाली नहीं है, मेरे गरीबान में सैकड़ों सूरज हैं। अब यहाँ मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शायरी में बात इस्तलाहात में होती है, इस्तियारात में होती है, इशारात में होती है, सूरज सूरज नहीं है। सूरज इकबाल के तसव्वुरात हैं, ख्यालात हैं, इकबाल का फ़लसफ़ा है। तो सद सहर अंदर गरीबान मनास्त, खाक मन रोशन तरस जामे जमास्त, खाक मान मेरी खाक रोशन तर बहुत ज़्यादा रोशन है, आज जाम जमास्त। बादशाह जमशेद ने जाम जम बनाया था, एक प्याला बनाया था, कहते हैं रिवायत है, अदबी रिवायतों में से एक रिवायत कि एक शीशे का प्याला था उसके पास जिसमें वो शराब पिया करता था, और अदबी रिवायत ये कहती है कि उस प्याले में उसे दुनिया का अहवाल नज़र आता था। तो खाक मन रोशन तरस जाम जमास, जमशेद का प्याला क्या हाल बताता होगा जो मेरी खाक मुझे बताती है। यह है शायर, शायर के किरदार जो लिया है वो किसी सिफारिश पे नहीं लिया कि भाई ज़रा ये हमारा बंदा भी खिजर डा में शामिल कर लो, ठीक है हजरत खिजर को तो नहीं हटा सकते लेकिन यहाँ तो अपना आदमी लगा सकते हैं ना। तो शायर मेरिट पर आया है। फातिमन रोशन तरस जामे जमास्त, मेहरमज नाजादहाई आलमास्त, मैं मेरी खाक जामे जम से ज़्यादा रोशन है, ज़्यादा अहवाल से पुर है, बहुत कुछ बता सकती है। क्या कुछ बता सकती है? मेरी खाक महरम नाजाद हाय आलम है, जो चीज़ें आलम में अभी आई नहीं, जो चीज़ें अभी वजूद में नहीं आई, तो वो चीज़ें मैं जानता हूँ, मैं उनका महरम हूँ। फिक्रमान नहु सरे फितराक बास्त, मेरी फिक्र मेरा ख्याल मेरी शायरी मेरा जहन उस आहू को उस हरन को अपना शिकार बनाता है। फितराक कहते हैं उस चमड़े को या उस बेल्ट को जिसके साथ शिकार करके फिर बांध लिया जाता है। तो मेरी फिक्र उस आहू को उस हरन को शिकार करती है, कु हनूज अज नीस्ती बैरू नजस्त, कि जिसने अभी नीस्ती से हस्ती की तरफ जस्त नहीं लगाई।
जो अभी आलम वजूद में नहीं आया हरन, मेरी फिक्र उसे अपने काबू में ले आती है। यह है शायर, होना चाहिए इसको उस किरदार में। हजरत खजर से सवाल पूछने वाला, खजर की शख्सियत आगे आएगी, उस पर हम बात करेंगे, गैर मामूली शख्सियत, तो क्या सवाल करने वाला मामूली होना चाहिए? वकार साहब को आप जानते हैं, जितना कुछ ये जानते हैं, तो इनसे पूछने वाला उससे चौथाई तो जानने वाला होना चाहिए ना। या कोई भी शख्स चलता फिरता कोई ऐसा मामूली सा सवाल कर ले कि जिसकी ना कोई हैसियत हो ना कोई अहमियत हो, तो हज़रत खिज़र के सामने लाने के लिए जो किरदार चुना गया है, शायर का किरदार, हम उस पर बात कर रहे हैं। फ़िक्र मौनाहू सर फितराक बस्त, कु हनूज अस नीस्ती बीरू नजास्त, जो अभी नीस्ती से जस्त लगा के हस्ती में नहीं आया। सब्ज़ ना रूजी दे जीब गुलशनाम, सब्ज़ ना रूजी दे, वो सब्ज़ा जो अभी रुईदगी में नहीं आया, जिसने अभी खाक से सर नहीं उठाया, जो अभी निहाल नहीं बना, बाहर नहीं निकला। जीबे गुलशनाम, मेरे गुलशन की जीनत है वो, जो अभी सब्ज़ा वजूद में नहीं आया, जो आने वाले ज़माने हैं, जो आने वाले वक्त हैं, तो उनकी जो उनके जो अफकार हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? मेरी शायरी में मिलेंगे। सब्ज ना रूजी दे जीबे गुलशनाम, गुल बिशाख अंदर निहान दर दामनाम, गुल बिशाख अंदर, जो फूल अभी शाखों के अंदर हैं, निहान दर दामनाम, वो मेरे दामन में भरे हुए, जो फूल शाखों से फूटे ही नहीं वो मेरे दामन में भरे हुए। मेरे दामन में ये जो मेरे सामने किताब है बांगे दरा, ये दामन इकबाल है, यह है वो इकबाल का दामन। वाँ वाँ वाँ। और मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, वो इकबाल के फूल देख रहा हूँ। महफिल रामिश गरी बरहम ज़दाम, महफिल रामिश गरी, ऐशो निशात की महफिल, बरहम ज़दाम, मैंने बर्बाद करके रख दी, मैंने उसे तबाह बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। महफिल रामिश गरी बरहम ज़दाम, ज़ख्म बर तारे रगे आलम ज़दाम, मैंने रगे आलम की तार पर ज़ख्मा, वो ब्लेड जो तार पे लगाया जाता है तो आवाज़ निकलती है, सुर निकलते हैं, मैंने अपनी शायरी का, अपनी फ़िक्र का ब्लेड, प्लास्टिक का होता है छोटा सा टुकड़ा, तो वो उसको कहते हैं ज़ख्मा, वो ज़ख्मा मैंने रगे आलम पर लगा दिया है, ठीक है, झंझोड़ दिया है आलम को, उसके अफकार को, उसके एहसास को। महफिल रामिश गरी बरहम ज़दम, ज़ख्म बर तौरी रगे आलम ज़दम, बस के उदे फितरतम नादिर नवास्त, मेरा साज यानी मेरी शायरी, मेरी फिक्र का साज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नादिर नवास्त, नादिर जो कमयाब हो, जो मिलता ना हो, जिसकी तलाश हो लोगों को, नादिर नवा है, नादिर नवा अस्त, यानी मेरी शायरी, मेरी फिक्र कहीं और नहीं मिलेगी। बस के का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बस के उगदे फितरतम नादिर नवाज, मेरी आवाज़ नादिर व नायाब है, मेरी शायरी, मेरी फिक्र, मेरे ख्यालात, मेरे एहसासात ऐसे नहीं हैं जो किसी भी शायर के आपको मिल जाएंगे। हम नशीन नाज नगमे आम नाशनास्त, लेकिन अफसोस कि मेरे साथ बैठने वाले, मेरे हमासर, मेरे ज़माने के लोग, मेरी मिल्लत के लोग, मेरी कौम के लोग इस आवाज़ से नाशना है, उसकी अहमियत को नहीं समझते, वो नहीं जानते कि ये क्या है। दर जहान खुर्शीद नौज़ाईद आम, दर जहान, इस जहाँ में मैं वो सूरज हूँ जो अभी तुलू हुआ है, नौजाईदा, ठीक है, अभी ज़ाहिर हुआ है। दर जहान खुर्शीद नौजाईद आम, रस्म आईने फलक नौ दीदे आम, अभी मुझे नहीं मालूम कि इस आसमान के कवानीन और आईन और जाब्ते क्या हैं, यानी मुझ जैसा शायर ना पहले कभी हुआ और ना आइंदा कभी होगा,
और मैं अभी इस कौम में आया हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इस दुनिया के आयन व दस्तूर क्या है। दर जहान खुर्शीद नौजाईद आम, रस्म आईने फलक नौदीद आम, रम ने दीदे अंजुम अज तौबम हनूस, रम ने दीदे अंजुम अज तौबम हनूस, रम ने दीदे भागा नहीं है, फरार नहीं हुआ, गुरेज नहीं किया, किसने? सितारों ने। जो सुबह जब नज़दीक आती है, जब सूरज निकलने वाला होता है, तो सितारे दौड़ लगा देते हैं, भाग जाते हैं। रम ने दीदे अंजुम अज तौबम हनूस, अभी तक मेरी रोशनी से भागे नहीं है सितारे, क्योंकि मेरी रोशनी ने अभी जान नहीं पकड़ी। मेरी रोशनी अभी, क्योंकि मैं ताज़ा वारिद हूँ इस जहान में। हस ना आशुफ्ते सीमा बम हनूस, मेरा पारा अभी हरकत में नहीं आया। पारा मालूम है आपको कि ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, मुस्तरिब रहता है, कि मेरी फ़िक्र, मेरी शायरी अभी नई नई है, कौम पर अभी उसका असर नहीं हुआ, अभी यह पारा हरकत में नहीं आया। बहरज रख से ज़ियायम बे नसीब, अभी इस दुनिया के समंदर को, इस बहर को मेरी किरणों का रक्स नसीब नहीं हुआ, अभी दुनिया ने नहीं समझा मुझे। कुह अज रंगे हिनायम बे नसीब, पहाड़ों ने अभी मेरे रंगे हिना को नहीं देखा। रंगे हिना के इशारा किस तरफ है? सूरज जब गुरूब होने लगता है तो एक हिनाई कैफियत तारी हो जाती है। खूगरे मन नीस चश्मे हस्तबूत, जिंदगी इस आलम हस्तबूत की आँख ने, आँख अभी मेरी खूगर नहीं हुई, मेरी आदि नहीं हुई, मैं अभी नया वारिद हुआ हूँ इस जहान अफकार में। लर्ज बर्तन खिजम अजबी में नमूद, लेकिन मैं खुद लरज रहा हूँ। किस बात से लरज रहा हूँ? उस लम्हे से लरज रहा हूँ कि जब मैं पूरी तरह जाहिर हो जाऊँगा। लर्ज बर्तन खिजम, मेरा तन लरज रहा है, मैं अपने अंदर लर्जा महसूस कर रहा हूँ उस लम्हे से कि जब मेरी नमूद मुकम्मल हो जाएगी, और अभी नमूद मुकम्मल नहीं हुई। अभी हम इकबाल को दरियाफ्त करने की कोशिश कर ही रहे हैं, आज भी वही कोशिश है, उसी का एक ज़रा सा हिस्सा है। नगमा आम अज जख्म बी पर वोस्ताम, मैं नगमा हूँ मगर मुझे जख्म की परवाह नहीं है, मुझे साज की परवाह नहीं है। जब साज इस नगमे के साथ मिल जाएगा तो फिर नगमा मुकम्मल होगा। मन नवाए शायरी फरदास्ता, खालिब ने क्या कहा था? मैं अंदलीब गुलशन ना अफरीदा हूँ, उसकी गूंज मालूम हो रही है इस मिसरे में। मैं अंदलीब गुलशन ना अफरीदा हूँ, मैं उस बाग का बुलबुल हूँ जो बाग के अभी वजूद में नहीं आया, ये गालिब ने कहा था। मन नवाई शायरी फरदास्ताम, मैं उस शायर की आवाज़ हूँ जो अभी आया नहीं, आने वाले वक्तों के लिए। असर मन दानिंदा असरार नीस्त, मेरा ज़माना दानिंदा असरार नहीं है, राजों का, भेदों का जानने वाला नहीं है, सतही सोच रखने वालों का दौर है। यूसुफी मान बहरीन बाजार नीस्त, मेरा यूसुफ इस बाजार के लायक नहीं। इकबाल का यूसुफ क्या है? इकबाल का यूसुफ खिज़र रहा है, इकबाल का यूसुफ शमा और शायर है, इकबाल का यूसुफ शिकवा और जवाब शिकवा है, इकबाल का यूसुफ साकी नामा है, ये सब इकबाल के यूसुफ हैं। कुलियात इकबाल ये यूसुफ की तरह हसीन है और यूसुफ की तरह बेमिसाल। यूसुफ़ी मन बहरे इन बाजार ने, तो यह है शायर जिसे मुकालमा करना है, जिसे जवाब नहीं देना है, जिसे सवाल पूछना है। तो सवाल, हम आजकल समझते हैं कि सवाल पूछना क्या है, सवाल पूछना, पूछ लेंगे सवाल, जो चाहेंगे पूछ लेंगे, नहीं। सवाल पूछने के लिए जितने बड़े किरदार की और जितने ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है और जितनी गहरी शख्सियत की ज़रूरत है, इन अशार से पता चलता है कि इकबाल
जिस शायर को किरदार बनाकर अपनी नज़्म में ला रहे हैं वो ऐसा है। समझते हैं आप कि ये किरदार इस लायक है और मेरिट पर आ रहा है। तो खिज़र दूसरा किरदार, जनाब वक़ार अहमद वक़ार कुछ बता चुके हैं कि हज़रत खिज़र का ज़िक्र क़ुरान पाक में आया है मगर नाम के बग़ैर, एक बुज़ुर्ग के तौर पर सूरह कहफ़ में ज़िक्र आया है और फिर सही बुखारी और सही मुस्लिम में नाम बताया गया है और मज़ीद रिवायतें जिनमें कुछ अदबी रिवायतें भी शामिल हैं उनमें पता चलता है, यहाँ हम सही और ग़लत की बहस में नहीं पड़ते, उन रिवायतों में ये पता चलता है कि हज़रत खिज़र पानी में रहनुमाई करते हैं लोगों की और हज़रत इलियास के हवाले से कहा जाता है कि वो खुश्की पर रहनुमाई करते हैं। फिर इनके हवाले से ये भी मशहूर हैं कि वो सफ़ेद पोश हैं या सब्ज़ पोश हैं, ये भी मशहूर हैं कि हज़रत खिज़र जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ सब्ज़ा फैल जाता है। फिर ये भी मशहूर है कि हज़रत खिज़र एक लंबी उम्र लेकर आए जी, इसके हवाले से भी इख्तलाफी बयानात हैं उलमा के। ठीक है, एक बात जो किसी हद तक दिल को लगती है वो ये कि एक ख़याल ये है कि हज़रत खिज़र अगर ऐसे ही ताक़यामत जीने के लिए दुनिया में आए हैं तो फिर उन्हें हुजूर के ज़माने में भी मौजूद होना चाहिए था। ठीक है, और ये मुमकिन नहीं था कि हज़रत खिज़र आ हज़रत के ज़माने में मौजूद होते और कदम बोसी के लिए हाजिर ना होते, मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो हज़रत खिज़र के हवाले से जितना सूरह कहफ़ हमें बताती है उस पर यकीन रखना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे हटकर अगर कोई रिवायतें हैं तो उनकी छान पटक भी ज़रूरी है और उन पर यकीन करना भी हमारे लिए लाजिम नहीं है। अच्छा, हज़रत खिज़र से इकबाल ने तो काम लिया है फ़िक्री रहनुमाई का, लेकिन हमारे शगुफ्ता गो शुआरा दूसरा काम भी लेते रहे, छेड़छाड़ का काम। मसलन चचा गालिब फरमाते हैं कि वो ज़िंदा हम हैं कि हैं रूशना से खल्क़े खिज़र, वो ज़िंदा ऐसे वैसे नहीं, वो ज़िंदा हम हैं कि हैं रूशना से खल्क़े खिज़र, हम ऐसे ज़िंदा हैं इतने ज़िंदा हैं कि हम दुनिया के सामने हैं, दुनिया हमें देख रही है हम दुनिया को देख रहे हैं, हम रूशनास हैं ऐ खिज़र और तुम नहीं हो, ना तुम के चोर बने उम्रे जावेदा के लिए और तुम तो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए चोरों की तरह छुपते फिरते हो। यह गालिब की शोखी। फिर गालिब ही एक और जगह कहते हैं क्या किया, मशहूर शेर है, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, शोखी है ना, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, कुछ भी नहीं किया। कौन सिकंदर, ये भी एक अदबी रिवायत है, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि मुझे आब हयात चाहिए, उस ज़माने में दुकानों पे नहीं मिलता था तो आब हयात चाहिए, हज़रत खिज़र ने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, चलो। दोनों चले और हज़रत खिज़र ने एक जगह वो चश्मा देख लिया आब हयात का, ख़ुद तो पानी पी लिया और वापस आकर सिकंदर को रिपोर्ट दी कि मिला ही नहीं है ही नहीं। ठीक है, यानी गलत रिपोर्ट दे दी। वैसे इस तरह गुफ्तगू करना हज़रत खिज़र के हवाले से मुनासिब नहीं मालूम होता, मगर गालिब को कौन रोके। ठीक है, उन्हें तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो अल्लाह ही जानेगा। बिल्कुल, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, जब हज़रत खिज़र जैसे रहनुमान से ये हुआ, उन्होंने ये किया यानी धोखा दिया साफ लफ्ज़ों में अगर कहें तो, अब किसे रहनुमा, अब किसका एतबार करें। अच्छा, हाल ही दो कदम और आगे बढ़ गए, अपने जूतों से रहें सारे नमाजी होशियार, अपने जूतों से रहें सारे नमाजी होशियार, एक बुज़ुर्ग आते हैं मस्जिद में खिज़र की सूरत। आज आपने रशीद साहब को नहीं बुलाया, अब्दुल सलाम साहब को भी नहीं बुलाया, वरना लुत्फ आता है शेर पढ़ने, बारिश लोग अगर दो चार बैठे होते, उम्र में तो मुझसे छोटे हैं,
अगर वो बैठे होते सामने तो फिर हाल ही का एक शेर पढ़ने में मज़ा आता, लेकिन आप गौर करें तो इसमें हाल ही ने तज़ीक नहीं की बल्कि एक मकसद छुपा हुआ है इस शेर में कि ज़ाहिर पर न जाओ। ठीक है, इसमें सबक हमें क्या मिलता है कि किसी के ज़ाहरी हुलिये पर देखकर उसके किरदार का अंदाज़ा ना लगाओ। अपने जूतों से रहें सारे नमाजी होशियार। एक बुज़ुर्ग आते हैं मस्जिद में खिज़र की सूरत, ऐसा नहीं है कि वो जूते नहीं उठाएंगे, उठा भी सकते। अच्छा, इकबाल ने खिज़र से रहनुमाई का काम लिया। खिज़र के हवाले से इकबाल के ज़खीरा अशार में तलमीहाती अशार मुतादद मिलते हैं। कुलियात फ़ारसी में तो तकरीबन 18 या 19 जगह, इसी तरह से कुलियात उर्दू में भी मुतादद मकामात पर इकबाल ने खिज़र की तलमी इस्तेमाल की। मसलन, ज़े आगाज़ खुदी कसरा खबर नेस्त, खुदी का आगाज़ कब हुआ, कसरा खबर नेस्त, खबर नहीं, किसी को खबर नहीं, कहीं से खबर नहीं मिलती। खुदी दर हल्के शामो सहर नेस्त, खुदी हल्के शामो सहर की असीर नहीं है। ये जो एक हमने अपना एक हल्के जमा बना रखा है, एक हल्के मका है और एक हल्के जमा है, तो इसके अंदर तो खुदी का सुराग नहीं मिलता। कहाँ है खुदी? ज़े खिज़र नुक्ते नादिर शनीदाम। इकबाल को जब कोई मुश्किल पेश आती है तो हज़रत खिज़र से रुजू करते हैं। ज़े खिज़र नुक्ते नादिर शनीदाम के बहर अज मौज खुद दीरी ने तरनीस्त, के बहर अपनी मौज से पुराना नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि मौजें नई हों और दरिया या समंदर पुराना हो, उसके साथ ही वजूद में आता है, बल्कि उसकी लहरें ही उसको समंदर बनाती हैं, उसको दरिया बनाती हैं। अब हम नज़्म के पहले हिस्से की तरफ आते हैं और पहले हिस्से में शायर, हमारा हसास शायर, सोचने वाला शायर, हमदर्द कौम शायर मौजूद है समंदर के किनारे। दरिया बहर के मानों में भी है और दरिया के मानों में भी है। हमारे यहाँ उर्दू में आमतौर पर दरिया से मुराद दरिया लिया जाता है, और लेकिन फ़ारसी में दरिया बमानी कुलजुम, समंदर, बहर सब मौजूद है। अच्छा, नज़्म में इस मिसरे का तकाजा यह है कि हम समंदर ही जहन में रखें, वसत के लिहाज से दरिया इकबाल के यहाँ तंगी की तो गुंजाइश ही नहीं। साहिले दरिया पर मैं एक रात था महवे नज़र, मुकालमा, गुफ्तगु, खला में, हवा में, ख्वाब में, ख्याल में, यकीनन नहीं, कोई जगह चाहिए पांव रखने के लिए। ये मुकालमा, इसकी वकूअ का मकाम, इसके होने का मकाम हमें इस मिसरे से पता चलता है। साहिले दरिया, समंदर का किनारा, मैं साहिले दरिया पर मैं, पहला किरदार सामने आ गया, मैं यानी शायर यानी इकबाल। साहिले दरिया पर मैं एक रात था महवे नज़र, एक रात, मुकालमा किसी मुकाम पर होगा तो कोई वक्त भी तो होगा ना, ठीक है ना, सुबह सवेरे भी हो सकता है मुकालमा, और मुकालमा दोपहर 12 बजे भी हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है, शाम में भी हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती तजुर्बा, ख़ास तौर पर समंदर के किनारे रात गुजारने का तजुर्बा क्योंकि है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मुकाम का चुनाव किया है इकबाल ने इन दोनों किरदारों को मुलाकात कराने के लिए। साहिले दरिया पर मैं एक रात था, रात, अभी हम देखते हैं क्यों, साहिल क्यों, रात क्यों, क्या कर रहा था, शेर जी, कराची वालों से पूछें तो क्या करने गए थे, शेर करने गए थे। तो साहिले दरिया पर मैं एक रात था महवे नज़र, पिकनिक मनाने नहीं गया था, महवे नज़र था, सही। फिर आ जाइए साहिल पर, अभी हम दरिया में नहीं उतरे,
अभी दरिया में नहीं उतरे, मैं आपको फिर साहिल पे ले आया। साहिले दरिया पे, तो साहिले दरिया का इंतखाब क्यों किया गया, समंदर के किनारे का इंतखाब क्यों किया गया? कभी अगर आप समंदर के मुकाबिल हुए हों तो वहाँ पहुँच कर एहसासात की दुनिया तब्दील हो जाती है। एक तरफ इंसान को अपना वजूद दिखाई देता है और सामने ठाठे मारता हुआ समंदर, लहरें लेता हुआ समंदर, बेसुकून समंदर, बेपहना समंदर जिसकी कोई हद नज़र नहीं आती। तो साहिले दरिया पे मैं, एक रात था, रात का वक्त क्यों? क्योंकि तमाम औकात सुबह से लेकर रात तक, तमाम औकात में से बेहतरीन वक्त सोचने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए और सुकून से गुफ्तगू करने के लिए वो रात का वक्त है। मज़ीद बात ये, आपने बहुत सारी ऐसी दावतें अटेंड की होंगी कि जहाँ रोशनियाँ बहुत कम होती हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपका इर्तकाज अपने खाने पर होता है, ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पता नहीं चलता है कि बासी कौन सा है और ताज़ा कौन सा है और चींटियाँ किस में फिर रही हैं और मक्खियाँ कहाँ बैठी, नहीं पता चलता। यानी रात निगाह को मुर्तकिस कर देती, भटकने नहीं देती। यहाँ जो सवाल पैदा होंगे आगे चलकर, जो मुकालमा होगा, जो गुफ्तगू होगी, वो ज़रूरतमंद है इर्तकाज की। साहिले दरिया पर मैं, एक रात था महवे नज़र, क्या कर रहा था? देख रहा था, सोच भी रहा होगा, लेकिन शायर क्या कह रहा है कि देख रहा था, नज़र के यही माने है ना, लेकिन महवे नज़र था। सिर्फ देख तो आप भी मुझे रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन हम महवे नज़र नहीं। वो किसी ने लिखा है कि सुना है कि पहली नज़र का कोई गुनाह नहीं होता, खालिबन मुश्ताक में जुस्फी ने लिखा। तो मिर्ज़ा ने कहा कि हम पहली नज़र ही इतनी तवील कर लेते हैं कि दूसरी का नंबर ही नहीं आता, यानी महव हो जाते, ठीक है। तो महव होना एक पूरी कैफियत है, दाएं बाएं से गाफिल होकर, ठीक है, खूब वज़िश से बेपरवाह होकर, अपनी ख्वाहिशात से हाथ उठाकर और जहन में आए हुए तमाम इधर उधर के ख्यालात से बेपरवाह होकर किसी एक नुक्ते पर सोचना, किसी एक मंज़र को देखना, यह है महवियत। तो महवे नज़र था, यानी अपने तमाम तफक्कुरात, अपने तमाम इलाके, ताल्लुकात, रिश्ते नाते सब पीछे छोड़ आया था। अब मैं था और समंदर था, ठीक है, और रात थी। साहिले दरिया पर मैं, एक रात था महवे नज़र, गोशे दिल में छुपाए एक जहाने इस्तेराब। गोशे दिल, गोशा कितना बड़ा होता होगा, फिर भी जितना बड़ा दिल उसके लिहाज से गोशा, जितना बड़ा दिल, जितनी बड़ी कायनात उतना बड़ा गोशा। तो गोशाए दिल, दिल खुद एक कायनात, गोशाए दिल में छुपाए एक जहाने इस तरह, एक तरफ गोशा और दूसरी तरफ जहान, यह तजाद। बहुत से शायर, अच्छे शायर, और ज़ाहिर है कि इकबाल भी उन्हीं में शामिल हैं, वो तजाद की कैफियत से बड़े काम लेते। तो ये तजाद की कैफियत सामने लाकर इकबाल ने एक काम लिया है जो आगे चलकर आपको पता चलेगा। गोशाए दिल में, एक तरफ दिल का गोशा है, दिल खुद एक छोटा सा आला है हमारे जिस्म में, फिर उसका भी एक गोशा, उसमें क्या छुपा रखा है? जहान इस तरह, जहान, एक तो हम कहते जहान नहीं, जहान इस तरह, और जितना आप अपने लहजे से इसको फैलाकर बयान करेंगे उतना ही ये शेर आपके समझ में आएगा, जहान इस तरह। अच्छा, इस्तेराब क्या है? बेचैनी, बेचैनी का जहान। शायर के दिल में क्या था? बेचैनी थी। इस्तेराब के माने तशवीश, तशवीश का जहान। दिल में क्या था? तशवीश थी। बेचैनी किस चीज़ की थी? बहुत सारे मसाइल थे, ज़ाती मसाइल नहीं थे यहाँ पर,
यहाँ सारा जो जिक्र हो रहा है, सारा जो दर्द है, सारे दुख हैं, रंज हैं, वो मिल्ली और कौमी दुख हैं। तो कौम के लिए तशवीश, कौम के लिए इस्तराब, कौम के लिए परेशानी, और इस्तराब के माने रंज के भी हैं, तरद्दुद के भी हैं, और ये हरकत की ज़िद भी है। एक जहान इस्तराब, यानी दिल में एक रंज की कैफियत थी और वो रंज भी मुतहर्रक था, एक तशवीश की कैफियत थी और वो तशवीश भी रुकी और थमी हुई नहीं थी, मुतहर्रक तशवीश थी, और इसी तरह रंज था और तरद्दुद था। ये सारी चीज़ें मिलकर एक तूफ़ान बना रही थी, ये सारी चीज़ें मिलकर एक जहान इस्तराब तख्लीक कर रही थी। और कितनी जगह में, 80 गज़ के प्लॉट, वो भी बड़ा होता है। मुख्तसर इतना कि दो हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि इसमें दो जहां का रास है। साहिल दरिया पमा एक रात था महवे नज़र, गोशाए दिल में छुपाए एक जहान इस्तराब। तो मौजू क्या हुआ इस नज़म का, एक अंदाज़न हमारे जहन में जो आ सके, इस्तराब। अभी तक तो यही पता चल रहा है कि शायर का जोर है इस्तराब पर, बेचैनी पर, तशवीश पर, तरद्दुद पर, तूफ़ान पर। तीसरा शेर देखिए कि इस्तराब गायब हो जाता है, तशवीश गायब हो जाती है, सुकून उसकी जगह ले लेता है। शब सुकूत अफ़ज़ा, वो जो रात थी, वो जो लम्हा ज़मां था जिसमें वो शायर मौजूद था, वो कैसा था, वो रात कैसी थी? सुकूत अफ़ज़ा, सुकूत अफ़ज़ा। रू अफ़ज़ा तो सुना होगा आप, ये सुकूत अफ़ज़ा कहाँ से आ गया? सुकूत तो हो गई खामोशी, और अफ़ज़ा फ़ारसी मजदर अफजूदन से, अफ़ज़ा यानी बढ़ाने वाला, सुकूत अफ़ज़ा। अच्छा, कहने को तो इकबाल यूँ भी कह सकते थे कि रात खामोश थी, रात पुरसकून थी, रात पुरसकूत थी, कह सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ अफ़ज़ा इस्तेमाल करना था, और अफ़ज़ा की खसूसियत ये हुई कि अफ़ज़ा लफ्ज़ में कहीं ठहराव नहीं है, तसलसल है, तवातुर है, जी मुसलसल। शब सुकूत अफ़ज़ा, रात खामोश थी 12:01 पर, 12:02 पर रात की खामोशी की सतह उससे ज़्यादा थी जो कि 12:01 पर, 3 सेकंड पर उससे ज़्यादा, 4 सेकंड पर, मल्टीप्लाई करते चले जाए। तो यह है सुकूत अफ़ज़ा का तसव्वुर। शब सुकूत अफ़ज़ा, जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी सुकूत में इजाफा हो रहा था, खामोशी में इजाफा हो रहा था। मगर पहला शेर तो हमें कुछ इस तरफ इशारा करता हुआ दिखाई देता है कि शायर का मौजू है इस्तराब, और यहाँ कह रहे हैं कि सुकूत खामोशी, आगे चल के गिरा खुलेगी। शब सुकूत अफ़ज़ा, हवा आसूदा, आसूदगी से हम वाकिफ़ हैं, आसूदगी हम सबकी तमन्ना होती है, कौन आसूदा नहीं रहना चाहता, कौन बेरंज और बेफिक्र नहीं रहना चाहता, कौन मुश्किलात से दूर नहीं रहना चाहता। तो हवा आसूदा थी, ना हवा को कोई परेशानी थी, ना हवा किसी को परेशान कर रही थी, गैर मौजूद तो नहीं कह सकते थे, यानी इकबाल ये तो नहीं कह सकते कि हवा थी ही नहीं, वो तो फिर साइंसदान पीछे पड़ जाते पंजे झाड़ के, कहते हवा नहीं थी तो फिर तुम कैसे थे। हवा थी, हवा को तो होना है ना, लेकिन आसूदा थी, थी मगर हर चंद कहें कि है नहीं है। शब सुकूत अफ़ज़ा, हवा आसूदा, दरिया नर्म सैर, और दरिया कैसा था? आहिस्ता रौ, आहिस्ता चलने वाला, दबे पांव चलने वाला, नर्म सैर, यानी कोई भी उसके किनारे पर मौजूद हो, या समंदर की किनारे मौजूद है तो समंदर की लहरें, उसको पता ही नहीं चलता था कि मैं समंदर के किनारे हूँ, खामोश सुकून बिल्कुल। शब सुकूत अफ़ज़ा, हवा आसूदा, दरिया नर्म सैर,
बात मुकम्मल हो गई, लेकिन शायर मुतमइन नहीं हुआ, इकबाल मुतमइन नहीं हुआ। इकबाल जो तशबीहात देना चाह रहा है, जो मंजरकशी करना चाह रहा है, जो तस्वीर बनाना चाह रहा है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। कहते हैं कि थी नज़र हैरान कि ये दरिया ही या तस्वीर यार। सबसे अहम तरीन जो तशबीह हो सकती है वो तस्वीर की हो सकती है, कि अगर आप तूफ़ान की भी तस्वीर दें, जलजले की भी तस्वीर दें, तो वो रुकी रहेगी, खामोश रहेगी, बोलेगी नहीं, हरकत नहीं करेगी। तो तस्वीर आप ऐसा मालूम होता था कि ये समंदर नहीं है, दरिया नहीं, ये दरिया की तस्वीर है। इतना सुकून था, इतना ठहराव था, इतना सुकून था। पहले शेर की से फिर मिलाते जाइए, वहाँ इस तरह, और अब हम गहरा कर रहे हैं उसकी ज़िद को। तौरेफुल अशिया बिल अजदाद, तौरेफुल अशिया बिल अजदाद, यहाँ चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती, रोशन करने के लिए चीज़ों को, वाज़े करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, नुमाया करने के लिए। ये तख्ते सफ़ेद मेरे सामने, एक नुक्ता इस पर स्याह लगा दिया जाए तो नुमाया हो जाएगा। जो अच्छा उस्ताद होता है वो पहले लिखे हुए को मिटा कर नया लिखना शुरू करता है। अगर कोई बायोलॉजी पढ़ा कर गया हो और दूसरा उर्दू पढ़ाने के लिए आ जाए तो उसी तख्ते पे लिखना नहीं शुरू कर देगा, हर चीज़ उलझ जाएगी। तो नुमाया करने के लिए, सफ़ेदी और स्याही को अलग करने के लिए एक मंज़र बनाया जा रहा है सुकून का, और फिर उस पर जो इस्तराब है वो नुमाया होगा। सिर्फ इस्तराब के हवाले से इकबाल 10-20 शेर कह देते, इतना नुमाया नहीं हो सकता था इस्तराब और तूफ़ान जितना अब होगा इस सूरत हाल में, कि इतनी खामोशी थी, इतना सुकून और सुकूत था कि जैसे तस्वीर, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार। तशबीह की, इस्तियारे की, तमसील की इंतहा हो गई तस्वीर। मगर क्या करें कि इकबाल मुतमइन नहीं हुए, ठीक है, और उनके हाथ आ गया एक बच्चा, जी वो भी दूध पीता बच्चा। जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार। मैं सोच रहा था कि आपके सामने लफ्ज़ खार कहूँ या ख्वार कहूँ, क्योंकि एक आध जगह मुझे ऐसा सुनने को मिला, जी तो बच्चे हो जाते हैं आमतौर पर, और जो दूध पीते बच्चे होते हैं छोटे, तो कभी कभी वो ख्वारी की कैफियत से भी गुजरते हैं। तो जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार, बिस्तर पे क्यों नहीं, सोफे पे क्यों नहीं, फर्श पे क्यों नहीं, टेबल पे क्यों नहीं, नींद तो कहीं भी आ जाती। जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार, एक तो दूध पीता बच्चा, उसकी मासूमियत, मासूम जहन बेसवाल होता है, उसे सवाल परेशान नहीं करते, उसमें इस्तेराब नहीं होता, सुकून ही सुकून होता है। यानी एक तो वो ख़ुद सुकून का मुरक्का, छोटा बच्चा तिफल, और फिर गहवारे में झूले में पड़ा हुआ, यानी झूला जो महमेज देता है सुकून को, नींद नहीं भी आ रही हो, जी आपको जाना है ड्यूटी पे, गहवारे में लेट जाइए और गई ड्यूटी आप, तो गहवारा सुकून को बढ़ाता है। जैसे ऊपर बताया था कि शब सुकूत अफजा, तो ये ख्वाब अफजा है गहवारा, ख्वाब को बढ़ाने वाला, ख्वाब को महमेज देने वाला। तो जैसे गहवारे में, अच्छा गहवारे में लेटा हुआ नहीं है बच्चा, लेटा हुआ होगा तो फिर गुहा करेगा, जी खामोशी को मुतासिर करेगा, तोड़ेगा सुकूत को। जैसे गहवारे में सो जाता है, अब तीन चीज़ें आ गई, एक तो बच्चा सुकून का मुरक्का, सोया हुआ, अच्छा नहीं सोया हुआ नहीं, बल्कि उसका जहन सवालात से आ रही तो पुरसकून हो गया, फिर वो पड़ा हुआ है गहवारे में और गहवारे में भी सो रहा है। जैसे गहवारे में तशबीहात हैं, सो जाता है तिफले शीरखार,
मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब। जो मुस्तरिब मौज थी, जो बेचैन मौज थी, लहर थी, वो कहाँ जाके सो गई? गहराई में जाकर सो गई। और कैसे सोई? मेरी तरह नहीं सोई, रात को 10 दफ़ा उठे, आपकी तरह नहीं सोई 11 दफ़ा उठे, बल्कि उस मासूम बच्चे की तरह सोई जो कि गहवारे में बिल्कुल बेफिक्र होकर लेटता है। ठीक है, मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब। बस छोटे लफ्ज मुझे बहुत परेशान करते हैं जी। कहीं जैसे मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब जी। अगर शायर तायुन कर देता तो हम जगा देते जाके, बड़ी भी वक्त हो गया है, सतह पे बुला रहे हैं, आगे चलना है, यहाँ कपड़ी सो रही। मौज मुस्तर, उसकी तबीयत में इस्तराब था, बेचैन रहती थी और दरिया को भी बेचैन रखती थी। लेकिन आज, आज क्यों वो पुरसकून थी? क्योंकि हमें एक माहौल चाहिए था उस अजीम मुकालमे के लिए, उस अजीम गुफ्तगू के लिए जो दो किरदारों के दरमियान इनाकात पजीर होने वाली थी। तो मौज मुस्तर थी कहीं, कहीं का लफ्ज कोई हद नहीं रखता, कहीं कोई पता नहीं है इसमें कि कहाँ, कोई फासले का इसमें तायुन नहीं है कि कितनी दूर। कहीं थी मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में, और गहराई का लफ्ज भी आप गहराई के साथ बोलिए, यानी इसे अपने अंदर उतारिए, गहराइयों में। और सिर्फ सोने नहीं थी, मस्त ख्वाब। और मस्त आपने देखे होंगे, बेखबर, बेखुद, अपनी ज़ात से बेपरवाह। तो वो जो मौज मुस्तर थी वो मस्त हो गई, बेखुद हो गई, उसे परवाह ही नहीं रही, उसे एहसास नहीं रहा, उसे इदराक नहीं रहा, उसे इस बात का शऊर नहीं रहा कि मैं कौन थी, मैं क्या काम अंजाम दे रही थी, मैं सतह पे थी या मैं कहीं दरमियान में थी, और अब मैं कहाँ आ गई हूँ। बस वो मस्त ख्वाब थी, सो गई, गायब हो गई वहाँ से। देख रहे हैं आप कि वो हर चीज़ रास्ते से शायर हटा रहा है कि जो सुकून में खलल अंदाज होने वाली हो। हवा को एक तरफ हटा दिया और दरिया की लहरों को तह में सुला दिया, लेकिन फिर भी फितरत के माहौल में कुछ अनासिर ऐसे हैं जो खलल अंदाज हो सकते हैं। रात के अफसुस से तायर राशियानों में असीर, ये हमारे ताहिर भाई, हमारे एक दोस्त थे ताहिर, जब भी नाम पूछते थे ताहिर, पूरा नाम नहीं लूँगा, मेरा ख्याल है कहीं सुन रहे हो तो वो परेशान हो जाएंगे, तो ताहिर के बजाय वो जल्दी में कहते थे ताहिर जी। तो रात के अफसों से तायर राशियानों में ऐसी परिंदे, परिंदों पर तो किसी का कानून नहीं चलता ना, किसी का जोर नहीं चलता, किसी के समझाने से वो नहीं समझेंगे कि भाई चुप सरा रहे, नहीं चुप होंगे। तो उनका इलाज क्या किया? मौजों को तह में छुपा दिया, हवा को आसूदा कर दिया, रात को खामोशी बढ़ाने वाली बना दिया, अब रह गए परिंदे। तो रात के अफसों से, रात के जादू से, जो रातों को जागता हो, जिसने रातें देखी हो, वो जानता होगा कि रातों का जादू क्या है। हमारा बिजली का महकमा हमें अक्सर मौका देता है मगर हम फ़ायदा नहीं उठाते। रात के अफसों से, अफसों का लफ्ज़ ख़ास, जादू, तिलेस्म, नए रंग, अफसों की मंतिक क्या है कि जादू जिस पर किया जाता है उसका अपना इख्तियार ख़त्म हो जाता है। जादू करने वाला जब चाहता है उसको जादू के असर से बाहर लाता है और अपनी मर्ज़ी या इख्तियार से वो बाहर नहीं आ सकता। तो रात के अफसों से, और रात पहले बताया जा चुका है कि वो कैसी थी, वो तो खामोशी बढ़ाने पे तुली हुई थी, वो तो मुसलसल सुकूत को बढ़ा रही थी, तो उसके जादू ने गिरफ्त में ले रखा था परिंदों को। रात के अफसों से,
अच्छा, रात का या कम रोशनी का अफसू हमारे और आपके तजुर्बे में आता रहता है। आप किसी जगह रोशनी बढ़ा दीजिए, लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगेंगे। आप रोशनी कम करते चले जाइए, लोग सरगोशियों पर उतर आएंगे। मुकम्मल अंधेरा कर दीजिए तो हो सकता है बिल्कुल ही चुप होकर बैठ जाए। तो रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर। आशियाना खुद एक इस्तियारा है सुकून का, आसाइश का, आसूदगी का। जैसे घर में असर आ जाए वो आसूदा होगा। तो वो अपने घरों में थे, अपने घोंसलों में थे, अपने आशियानों में थे, और सिर्फ थे नहीं, देखिए इकबाल ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बहुत सोच समझ। असीर, असीर कौन होता है? गिरफ्त में आया हुआ कैदी, बंदी, जो जिसे बांध दिया गया हो, जिसे बांध दिया गया हो, उसे बांधने वाला ही खोले तो खोले। जो गिरफ्त में आ जाए तो वो खुद गिरफ्त से नहीं निकल सकता। रात के अफसों से तायर राशियानों में असीर, अंजुमे कम जाओ। अब एक रह गया दीवाना जो खलल अंदाज हो सकता था, खामोशी तोड़ सकता था, या तवज्जो को मबजूल कर सकता था, इर्तकाज में रुकावट डाल सकता था, उस मुकालमे को ख़राब कर सकता था, वो था अंजुमे कम जौ। कम रोशनी वाला सितारा, टिमटिमाते हुए सितारे। अंजुमे कम जौ यानी उस रात में जो सितारे थे वो तेज़ रोशनी वाले सितारे नहीं थे, वो ऐसी रात थी कि जहाँ हल्की हल्की रोशनी देते हुए टिमटिमाते हुए सितारे आसमान पे मौजूद थे। अच्छा, तेज़ रोशनी वाले सितारे भी बड़े ख़तरनाक होते हैं तवज्जो के हवाले से। वो अपनी तरफ मुतवज्जो करते और जो उनके उनका टिमटिमाना है वो यकसुई में खलल अंदाज होता है। एक रोशनी मुसलसल आती रहे उसका असर कुछ और होगा, लेकिन जी झिलमिलाए तो उसका असर कुछ और होगा। तो अंजुमे कम जौ, गिरफ्तार, ये भी गिरफ्तार, गिरफ्त में है, पंजे में है, किसके? तिलिस में माहता, महताब की गिरफ्त में, महताब के जादू में, उसके असर में हैं ये हल्की रोशनी देते हुए सितारे। यानी उनकी हल्की रोशनी पर चांद की रोशनी छा गई है। तो चांद की रोशनी को क्यों गवारा कर लिया, उसको भी कहीं इधर उधर कर देते? नहीं, अगर आप गौर करें तो सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, बल्ब की रोशनी, सितारों की रोशनी, हर एक का हमारे जहन पर अलग अलग असर होता है। चांद की रोशनी सुकून आवर होती है। महताब, अच्छा माह तो है चांद, और फारसी के लिहाज से ताब है रोशनी, तो महताब से मुराद होगी चांदनी। गिरफ्तारे तिलिस्मे महताब, चांदनी की गिरफ्त में, चांदनी के तिलिस्म में गिरफ्तार थे। तो ये तो हो गया माहौल पूरा, जिसमें हमें एक तरफ शायर नज़र आता है जो कि अपने दिल में इस्तराब छुपा हुआ है अभी तक, और ज़ाहिर क्या चीज़ है? वह है सुकून। अंदर इस्तराब है और बाहर हर तरफ सुकून है, ये एक मुतजाद कैफियत है। दो रंग हैं, एक तरफ सफ़ेद है, एक तरफ सियाह है। अब हमें गरज जिस रंग से है वो आगे चलकर पता चलेगा। देखता क्या हूँ, देखता क्या हूँ, क्या देखता हूँ? मैं तो कुछ नहीं देखता, अल्लाह दिखाएगा तो देखूंगा। ये वाला देखता हूँ नहीं, जिसमें सस्पेंस है, देखता क्या हूँ? ठीक है, अचानक कोई चीज़ सामने आ जाए, अचानक माहौल तब्दील हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कोई मंजर बदल जाए, तो ये इस तरह से लहजा अख्तियार किया जाता है, देखता क्या हूँ, देखता क्या हूँ, देखता क्या हूँ, कि वो फिर आ गया लफ्ज़, वो हरफ इशारा नहीं, ये मामूली वाला वो नहीं जी, वो पै के जहाँ पैमा खिजर। अभी तक जो अशआर हमने पढ़े उनमें हमें शायर का करैक्टर नज़र आया, वो कौन है, क्या कर रहा है, उसके दिल की कैफियत क्या है, और अब दूसरा किरदार सामने आ रहा है, देखता क्या हूँ कि वो
पैके जहां पैमा खिजर, पैक मैसेंजर, पैगाम लाने और ले जाने वाला। एक ज़माने में पाकिस्तान बनने से पहले तक गालिबन लखनऊ में मुहर्रम के महीने में हनूद में से एक टोली होती थी, कुछ लोग होते थे जो मुख्तलिफ चौराहों पर मुख्तलिफ रास्तों पर सियाह लिबास पहनकर खड़े हो जाते थे और मातमदार होते थे और गुज़रने वालों को वो कहते थे हुसैन कुश्ते शुद, बस एक जुमला बोलते थे हुसैन कुश्ते शुद, मैसेज देते थे ठीक है शहीद कर दिए गए, वो कहलाते थे पैक। क्यों कहलाते होंगे? शायद इसी वजह से कि वो ये मैसेज पहुंचाते थे। लेकिन लफ्ज़ पैक के माने पैगाम लाने वाला, जी मैसेंजर। अच्छा, सिर्फ अगर शायर यहाँ हज़रत खिज़र को, इकबाल अगर हज़रत खिज़र को पैगंबर कह देते, पैगंबर कह देते, मैसेंजर कह देते, कासिद कह देते, सिर्फ पैक कह देते तो भी बात हो जाती, लेकिन सिर्फ पैक नहीं, क्योंकि उनके किरदार को भी तो जस्टिफाई करना है ना, जैसे हमने शायर के किरदार को किया कि आखिर क्यों खिज़र ही क्यों। तो किरदार की खसूसियत बयान हो रही है जहाँ पैमा से, जहाँ आलम जग संसार और पैमा निकला है पैमूदन से नापना, जिसने जहाँ को नाप रखा हो, जहाँ की पैमाइश कर रखी हो। जैसे इब्न बतूता नशापुर पहुँचे तो शहर के चारों तरफ चक्कर लगाया और लिख दिया अपने सफ़रनामे में कि 10 लाख कदम का दायरा बन गया इस शहर के, अंदाज़ा हो गया कि इतना तो पैमाइश कर ली। तो पैमूदन से पैमा, जहाँ पैमा, जहाँ पैमा खिज़र। अच्छा, जहाँ पैमा कहने से एक तो ये पता चला कि हज़रत खिज़र बहुत सैर व सियाहत कर चुके थे, दुनिया देख रखी थी। हम किसी से पूछना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, कोई राय लेना चाहते हैं तो 10 दफ़ा सोचते हैं ना कि किसके पास जाएं। ऐसा आदमी फ़र्ज़ करें कि आपको मालूम करना है कि कनाडा में क्या सूरत हाल है, आजकल रहना चाहिए वहाँ पर पाकिस्तानियों को जाकर या नहीं, तो आप उसके पास जाएंगे ना कि जिसने कनाडा देख रखा हो, 2-4 बरस रह कर आया हो, या उसके कोई अजीज़ वहाँ रहते हो, एक आध ट्रिप वहाँ का लगा रखा हो। हज़रत खिज़र से शायर जो पूछना चाह रहे हैं इस जहान के बारे में, इस दुनिया के बारे में, ज़िंदगी क्या है, सल्तनत क्या है, सरमाया और मेहनत पे खरोश क्यों है, आलम इस्लाम की यह हालत क्यों है, तो उसी से पूछेंगे ना जिसने घूम फिर के देख रखा हो। तो सवाल हमारे जहन में वही है कि हम जिन दो किरदारों को इस मकालमे में देख रहे हैं वो इस लायक थे कि इस मकालमे में अपना रोल प्ले करते। शायर के बारे में हम कह चुके कि हाँ, शायर वाकई इस लायक था कि उसको इस मकालमे में जगह मिलती। तो हज़रत खिज़र के बारे में पहली बात हमें पता चल रही है कि वो जहाँ पैमा है, यानी सयाह, सयाह है नज़दीक व दूर, जहाँ पैमा, दुनिया देखे हुए, सफ़र किए हुए। अब सफ़र के हवाले से जितनी हिकायतें, जितनी कहानियाँ, जितने अखवाल आपके जहन में आते हैं वो सब आप दोहरा लेंगे तो जहाँ पैमा की तरकीब आप पर खुल जाएगी कि जो जहाँ पैमा होता है, सफ़र वसीला ज़फ़र वगैरह की तरफ इशारा बेर, जो दुनिया देखे हुए होता है उसकी अक़ल कितनी होती है, उसका तजुर्बा कितना होता है, वो क्या कुछ जानता है, वो कैसा मशवरा दे सकता है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। देखता क्या हूँ, देखता क्या हूँ ज़रा यूँ यूँ करके अचानक इसमें कैफियत भी पैदा हो रही है जिसको कहते हैं ड्रामाइयत, एक अजीब सी कैफियत। वरना अगर सीधा सीधा अंदाज इख्तियार करते इकबाल के, लिखते शायर, आगे उसका मुकालमा, फिर लिखते खिज़र, फिर आगे लिख देते मुकालमा, मकाम बीच में लिख देते समंदर का किनारा, तो नज़्म तो हो जाती, लेकिन ये लुत्फ कहाँ से आता। देखता क्या हूँ कि वो पैके जहाँ पैमा खिज़र, जिसकी पीरी में है मानंदे सहर रंगे शबाब।
पहली बात हमें पता चली हज़रत खजर के बारे में कि वो जहाँ पैमा है, तजुर्बाकार। दूसरी बात, पीर हैं, मुरीदों के साथ आए हैं, अकेले आए। यहाँ पीर बमाने ज़ईफ़, बड़ी उम्र का, उम्र रसीदा, सिन रसीदा, जिसकी पीरी में है मानंदे सहर रंगे शबा। वो ऐसा बूढ़ा है, वो ऐसा ज़ईफ़ है, वो ऐसा सिन रसीदा है कि जिसके बुढ़ापे में रंगे शबाब मौजूद है। ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हज़रत खजर की खसूसियात हमें पता चल रही है ना, कि हमें जो किरदार हमारे सामने लाया गया है शायर के मुकाबले में, वो कैसा है? जहाँ दीदा है, जहाँ पैमा है, ठीक है, हम मान गए, मगर ये बूढ़ा, अरे भाई, इसकी तो अक्ल घुटनों में आ गई होगी, ये तो सठिया गया होगा, ये क्या बताएगा कि ज़िंदगी क्या है? इसकी तो याददाश्त भी कमज़ोर हो गई होगी। हम खुद पर कयास करेंगे ना कि बूढ़ा है, हाँ बहुत सारी बातें जानता होगा, लेकिन बहुत सी भूल भी तो गया होगा, और फिर इसमें बात करने की हिम्मत कहाँ होगी? चार सवालों का जवाब देके तो यहाँ अपने लगेगा। ये सोचते ना कि भाई तुम किरदार को ले आयो, शायर को हमने कबूल कर लिया, शायर को रख लेंगे नज़्म में, लेकिन खिज़र को क्यों रखें? इस बूढ़े का हम क्या करेंगे? देखी होगी दुनिया इसने। हमें तो सवाल पूछने हैं, और बड़े लंबे लंबे सवाल हैं हमारे, और बड़े तफसीली जवाब चाहिए, तो इसमें इतनी हिम्मत कहाँ है? तो जिसकी पीरी में वो ऐसा वैसा पीर नहीं है, ऐसा वैसा बूढ़ा नहीं है, उसके बुढ़ापे में है रंगे शबाब, जी जवानी का रंग है, कुव्वत है, और वो इस काबिल है, अहल है कि आपके सवालों का जवाब पूरे होशो हवास से और पूरी कुव्वत से दे सके। कह रहा है मुझसे, अच्छा, जिसकी पीरी में है मानंदे सहर रंगे शबाब, पीरी और रंगे शबाब, मानंदे सहर, इसमें क्या ताल्लुक बन गया? सुबह की तरह रंगे शबाब है, यानी कहा कि वो बूढ़ा तो है, मगर उसके बुढ़ापे में जवानी का रंग है। कैसा रंग? जैसा कि सुबह का रंग होता है। तो मीर तकी मीर ने क्या कहा था? यानी रात बहुत थे जागे, सुबह ही आराम किया। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह ही आराम किया। हाँ, लेकिन ख़ास हम वो शेर पढ़ना चाह रहे हैं, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, अहदे जवानी रो रो काटा। तो जवानी के मुकाबले में बुढ़ापा, और बुढ़ापे को मिसाल दी है सहर से, और जवानी को मिसाल दी है रात से। रात से क्यों मिसाल दी है? ना रात में कुछ नज़र आता है, ना जवानी में कुछ दिखाई देता है, और बुढ़ापे में रंगे सहर हर चीज़ रोशन हो जाती है, ज़िंदगी के हकायक नज़र आने लगते। तो वो जो रंगे सहर है हज़रत खिज़र की जवानी में, उनके बुढ़ापे में, वही तो हमें दरकार है सवालों के जवाब हासिल करने के लिए। हम किसी ऐसे शख्स से तो सवाल नहीं पूछ सकते ना कि जिसकी शख्सियत पे तारीकी हो, जिसकी निगाह रोशन ना हो, जिसे दिन की रोशनी जैसा दिखाई देता हो, तो हम उसी से रुजू करेंगे। तो जिसकी पीरी में है मानंदे सहर रंगे शबाब, जिसकी पीरी में है मानंदे सहर रंगे शबाब। हज़रत मौलाना रूम, पीर रूमी, इकबाल कहते हैं पीर रूमी, पीर रूमी की एक हकायत में, वो मैं किसी और गुफ्तगू में तफसील उसकी बयान कर चुका हूँ, एक पीर कामिल का ज़िक्र आया, एक ज़ईफ़ का ज़िक्र आया, एक बूढ़े का ज़िक्र आया, कि जिसका इंतज़ार कर रहा है एक बादशाह। एक बादशाह को किसी मसले का हल पूछना है, उसको ख्वाब में बशारत दी जाती है कि कल सुबह तुम्हारे क़िले के दरवाज़े पर जो शख्स आएगा, वही तुम्हारे मसले को हल करेगा। तो बादशाह सुबह सवेरे जाकर अपने हवारियों के साथ खड़ा हो जाता है। वहाँ पर यह शेर है कि दीद, उसने देखा
शख्सी एक शख्स कामिली पुरमायाई दीद शख्सी कामिली पुरमायाई उन सब ने देखा एक शख्स जो कामिल है। अब लफ्ज़ कामिल में सब कुछ शामिल हो गया, क्या कुछ नहीं जानता। पुरमायाई पुरमाया है, दौलतमंद है, सिक्के नहीं है उसके जेब में, दौलत है उसके पास इल्म की और किरदार की और ईमान की और बसीरत की। दीद शख्सी कामिली पुरमायाई आफताबी दरमियानी सायाई, वो ऐसे आ रहा है कि जैसे आफ्ताब रात का सीना चीर कर निकलता है। आफताबी दरमियानी सायाई, तो वो मुझे हिकायत की ये दो लाइनें याद आ गईं कि यहाँ पर हज़रत खिज़र की एंट्री, हज़रत खिज़र का दाखिल होना कुछ ऐसा ही है मंज़र में जैसा कि वहाँ पर उस शख्स का। कह रहा है मुझसे ऐ जुयाए असरारे यज़ल, वो आने वाला वो ज़ईफ़ शख्स जिसकी पीरी में जवानी का रंग है, वो आता है उस मंज़रनामे में दाखिल होता है, मुझे देखता है, कह रहा है मुझसे ऐ जुयाए असरारे यज़ल, ऐ असरारे यज़ल के जुया जस्तजू करने वाले, ऐ कुदरत के भेदों को जानने की कोशिश करने वाले, एक शख्स पहले से मौजूद है, दूसरा वहाँ पर आया है, न सलाम न दुआ न खैर न खैरियत, क्यों भाई ठीक ठाक यहाँ रात को कैसे, और बच्चे बच्चे ठीक हैं, भाभी से लड़ाई तो नहीं हो गई हैं, कुछ नहीं। आया है और आते ही मतलब की बात, और इस मिसरे से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाला रूहानियत के उस दर्जे पर है, अल्लाह की तरफ से उसको वो सलाहियत वदियत की गई है कि वो समझ गया कि ये शख्स जो यहाँ मौजूद है ये किस कैफियत से गुजर रहा है। ठीक है, कह रहा है मुझसे ऐ जुयाए असरारे अज़ल, इस मिसरे की एक और ख़ूबी वो है किफ़ायत लफ्ज़ी, यानी कम लफ्ज़ों में बड़ी बात बयान कर देना या कई वाक़यात को एक मिसरे में समो देना, कोई ऐसी बात जो तफसील की मोहताज हो उसको इजमालन बयान कर देना। वही मैंने बात की अभी कि आकर जो रस्मी हाल अहवाल है उसकी तरफ, अब फिर मुझे याद आ गया वो एक मसनवी हम लोग पढ़ाया करते थे क्लास में, उनकी दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, तो उसमें एक मौका आता है कि वो कौन सा उसका किरदार था, हाँ देवनी को बुलाने वाला, हाँ तो उसमें हमाला देवनी को बुलाने का जब वक्त आता है तो शहज़ादा सैफुल मुलुक, शहज़ादा सैफुल मुलुक वो देवनी के दिए हुए बाल को आग पर रखता है देवनी को बुलाने के लिए अपनी मदद के लिए। तो वहाँ पर जो दो मिसरे आए हैं वो हैं कि रखा आतश पर दूसरा बाल, हाजिर हुई देवनी खवी बाल, बाल रखा और देवनी आ गई। ऐसा नहीं है कि बाल रखा और उसके बाद फिर थोड़ा इंतज़ार किया और फिर कोई जिन आया कोई देव आया, उसने कहा कि भाई वो तो फलां जगह मसरूफ़ हैं और शाम को आएंगे। ऐसा नहीं, यह ऐसा नहीं है कि देवनी आई और फिर वो इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गई। नहीं, वहाँ पर जो सूरत-ए-हाल बताई गई है वो ये कि उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इस्लामी असलाह समयना वाताना, सुना और इताअत, बीच में न चूँ है न चुरा है न क्यों है न कैसे, सुना और इताअत, यानी ज़ुबान से भी नहीं मैसेज पहुंचा, किसी ने जाकर भी नहीं कहा, सिर्फ बाल रखा आतश पे और देवनी हाजिर हो गई। तो कह रहा है मुझसे ऐ जुयाए असरारे अज़ल, इसमें भी जो मुलाकाती है वो किसी रस्मी कार्रवाई में मुब्तला दिखाई नहीं देता बल्कि आता है और अपने काम का आगाज़ कर देता है और उसका काम है रहनुमाई। ऐ जुयाए असरारे अज़ल, ऐ अज़ल के भेदों को जानने की सही करने वाले, इसमें एक तो बात हमें पता चल गई किरदार खिज़र के बारे में, और इसी मिसरे में
शायर के बारे में भी एक बात छुपी हुई है कि शायर क्या है, जुयाए असरारे अज़ल है। हम दोनों करेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना कि उसमें क्या खूबियाँ हैं, उसमें क्या खूबियाँ। तो शायर की कई खूबियाँ पहले देख चुके, एक खूबी ये भी है कि वो जुयाए असरारे अज़ल है, वो कुदरत के भेद जानने की सही करता है, कोशिश करता है, वो तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है, गौर करता है, इस कायनात पर सोचता है। चश्मे दिल वाहो तो है तकदीर आलम बेहिजाब, दो मिसरों में से आधा मिसरा रस्मी है, कह रहा है मुझसे यहाँ तक, और उसके बाद डेढ़ मिसरा है जो कि रहनुमाई के ज़ुमले में आता है। ए जुयाए असरारे अज़ल, चश्मे दिल वाहो तो है तकदीर आलम बेहिजाब, अगर दिल की आँख खुली हो तो तकदीर आलम बेहिजाब है। आलम की तकदीर, फ़र्द की तकदीर, तकदीर क्या है? अल्लाह का अंदाज़ा। एक अंदाज़ा इंसान का है जो गलत भी होता है और सही भी होता है, और एक अंदाज़ा अल्लाह का है कि हम क्या करेंगे, हमसे क्या सरज़द होगा, वो है हमारी तकदीर। तो चश्मे दिल वाह हो तो है तकदीर आलम, शर्त क्या है? वो जो जस्तजू है उस जस्तजू का नतीजा कब मिलेगा, वो जस्तजू कब ख़त्म होगी, सवालों का जवाब कब हासिल होगा, शायर का दिल कब पुरसकून होगा, कि जब दिल की आँख खुलेगी। यहाँ चश्मे दिल का जिक्र क्यों आया? क्योंकि शायर महबे नज़र था, कोई भी लफ्ज़ खामखा नहीं आ रहा है। पहले शेर में नज़र का जिक्र आया तो यहाँ आँख का जिक्र आ गया। चश्मे दिल वाह हो तो है, दिल की आँख खुली हो, चश्मे सर बंद हो या खुली हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी, दिल की आँख खुली होनी चाहिए। चश्मे दिल वाह हो, खुली हुई हो, लफ्ज़ दो हरफ शर्त है। चश्मे दिल वाह हो तो पर जोर दीजिए, तो ऐसे नहीं, चश्मे दिल वाह हो तो तकदीर आलम बेहिजाब, तो तकदीर आलम बेहिजाब होती है। अंदर की आँख कब खुलती है? रोशन नज़री के तो बहुत चर्चे हैं हमारे दौर में, बड़े रोशन ख्याल हैं फला साहब, बड़े रोशन नज़र हैं। जिसकी आंखें रोशन हो, जो चश्मे के बगैर देख सकता हो, वो रोशन नज़र हो गया। रोशन ख्याल वो हो गया जिसे नई नई सोचती हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों इस्तलाहात के मुकाबले में रोशन ज़मीर होना ये ज़्यादा कारामद है, क्योंकि ज़मीर का ताल्लुक है बसीरत से। बसारत हो या ना हो, इन आँखों वाली बसारत, बसीरत ज़रूरी है। अच्छा, बसीरत का मंबा क्या है, बसीरत का सरचश्मा क्या है? बसीरत का सरचश्मा घूमना फिरना नहीं है सिर्फ, वो भी है। बसीरत का सरचश्मा लोगों से मिलना मिलाना नहीं है, किसी हद तक वो भी है। बसीरत का सरचश्मा डिग्रियां जमा करना नहीं है, किसी हद तक वो भी है। बसीरत का मंबा और सरचश्मा है क़ुरान, सीरत रसूल और तौहीद और रिसालत पर पुख्ता यकीन, तकदीर पर पुख्ता यकीन, इल्म दीन, क़ुरान का मुताला। तो ये है बसीरत का असल सरचश्मा। तो वो खोलता है अंदर की आँख को। अंदर की आँख हम खोलना चाहें तो हमें ज़राए भी तो पता हो ना उसके, अंदर की आँख ऐसे नहीं खुलती। अंदर की आँख खोलने के लिए ज़रूरी है उन लोगों के रास्ते पर चलना कि जिनकी अंदर की आँख खुली हुई हो। और हमारे लिए, हमारे महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा साहिब बसीरत कौन हो सकता है? तो उनके रास्ते पर चलकर वो आँख खुलेगी जिसे हम अंदर की आँख कहते हैं, और जिसके लिए वो कहा था मीर तकी मीर ने कि मुँह नज़र आते हैं दीवारों के बीच, चश्म हो तो आईना खाना है दहर। मीर ने भी लफ्ज़ तो इस्तेमाल किए, शर्त ऐसे नहीं, चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुँह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। अगर आँख हो
बसीरत हो, सिर्फ ये वाली बिनाई नहीं, आँख, अंदर की आँख, तो क्या होता है, आईना खाना है दहर, तो ये दुनिया आईना खाना बन जाती है। आईना खाना क्या होता है, जिसमें हर समत में आईने लगे हुए, जिधर देखें वहाँ हकीकत का चेहरा दिखाई दे। और जब इंसान को नज़र मिल जाती है, निगाह मिल जाती है, बसीरत मिल जाती है, तो फिर दीवार पर्दा नहीं बनती, पर्दा दर हो जाती है। चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच, दीवारें छुपाती नहीं है, दिखाती। बसीरत तो सलामत, देखा है मगर नादीदा। वाह वाह, दिल में ये सुनकर बपा हंगामा ए महशर हुआ, मैं शहीद जस्तजू था यूं सुखन गुस्तर हुआ। वकार अहमद वकार साहब आपको बता चुके थे कि ये तरकीब बंद है, और आपको गालिबन ये भी बताया था कि इकबाल से पहले जो तरकीब बंद लिखे जाते थे तो उनमें अशार की तादाद बराबर रखी जाती थी, लेकिन क्योंकि इकबाल फोकस करते हैं मौजू पर, कैफियत पर, और इजाफी अशार इजाफी अल्फाज से गुरेज करते हैं, लिहाजा जहाँ बात ख़त्म हो गई, जहाँ तासुर ख़त्म हो गए हो गया, वहाँ पर बंद को मुकम्मल करके आखिरी शेर, बंद का आखिरी शेर कहलाता है बैत वासिल, जो मिलाता है बंद से, एक बंद से दूसरे बंद को मिलाता है, वो है बैत वासिल। तो बैत वासिल इस वक्त मेरे सामने है कि दिल में ये सुनकर, किसके दिल में, शायर जो पहले ही इस्तराब का शिकार था, जो पहले ही तशवीश तरद्दुद और रंज में मुब्तला था, दिल में ये सुनकर बपा हंगामा ए महशर हुआ। हंगामा ए महशर तसव्वुर में नहीं ला सकते, मैदान हश्र का हंगामा, जहाँ किसी को किसी का पता नहीं होगा, सबको अपनी पड़ी होगी। हंगामा ए महशर हुआ, मैं शहीद जस्तजू था, जस्तजू थी शायर को, शायर जुया था, मुतलाशी था, तलाश में निकला हुआ था कुछ बातों की, मगर लफ्ज़ शहीद एक ख़ास कैफियत पैदा करता है, इंतहा है कैफियत की। शहीद जस्तजू, शहीद कौन होता है, जो परवाह नहीं करता अपनी जान की, जो परवाह नहीं करता अपनी ज़िंदगी की, अगर किसी पर धुन सवार हो जाए किसी गरज की, किसी मकसद के हुसूल की, और वो अपने सारी सलाहियतें, अपना तन मन धन सब लगा दे उसको हासिल करने के लिए, तो वो कहलाएगा शहीद, यानी उसका आशिक, उस काम का दीवाना। और एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस मौके पर, कतील। इकबाल चाहते तो कतील भी कह सकते थे, वो कतील जस्तजू था, मैं कतील जस्तजू था, मैं शहीद जस्तजू था, इंतहा दर्जे का मुतलाशी था, मामूली मुतलाशी नहीं था। जस्तजू कहने को तो एक लफ्ज़ है, मुझे भी जस्तजू है, आपको भी जस्तजू है, सही है, एक छोटे से बच्चे को भी कोई ना कोई जस्तजू होगी। तो जस्तजू का दर्जा, जस्तजू के लेवल, जस्तजू की खसूसियात और उसके इबाद, उसकी शक्लें, उसकी कैफियतें वक्त के साथ, हालात के साथ और शख्सियत के साथ बदलती रहती, लेकिन लफ्ज़ शहीद ने लफ्ज़ जस्तजू की इंतहा को हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया। मैं शहीद जस्तजू था, हम अपनी जस्तजू के लिए कितनी कोशिश कर सकते हैं, कितनी काविश कर सकते हैं, कितना कुछ अपनी ज़िंदगी की सलाहियतों को इस्तेमाल में ला सकते हैं, अपनी कुव्वतों को बरूएकार ला सकते हैं, कोई इंतहा है, कोई इंतहा नहीं। तो शहीद जस्तजू था, मतलब ये कि मुझे सिवाय अपने मकसद के, सिवाय अपने दिल में उठने वाले सवालों के, ना कुछ सुझाई देता था, ना कुछ दिखाई देता था, ना मुझे किसी और शय की फिक्र थी। यूं सुखन गुस्तर हुआ, मैंने इस तरह बात का आगाज़ किया, यूं अपना मुकालमा शुरू किया।